हेलो एवरीवन, जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूँ प्रदीप गौड़। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन पढ़ते वक्त आपको लगता है आपको सब कुछ पता चल गया, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो ओवरलैपिंग हो जाती है। प्रोफेज का मेटाफेज में लिख दिया, मेटाफेज का एनाफेज में लिख दिया, किसी और फेज का किसी और फेज में लिख दिया। सेकेंड थिंग, आपको डाउट हो जाता है कि पहले प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज या टेलोफेज, कौन सा पहले होता है कौन सा उसके बाद होता है, सीक्वेंस भी आप भूल जाते हैं। इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा आपको सारी चीजों का, और दावा है मेरा आपसे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दोबारा इस टॉपिक को भी कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है मेरी, क्लियर है। और एक चीज और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों से भी बताना, क्लियर है। बाकी शेयर करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, क्लियर। आइए देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व कर देता हूं। सर, फेजेस कौन कौन सी होती हैं माइटोसिस की, तो मैं आपको बता दूं माइटोसिस के फेजेस आप जानते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। याद कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं, जैसे बार बार भूल जाते हैं या ओवरलैपिंग होती है, तो ये प्रॉब्लम किसकी है, आपकी ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करता है? सर आप करते हैं? बिल्कुल नहीं सर, आप खुद करते हैं और आपके पेरेंट्स करते हैं। मींस व्हाट? आपके पापा और मम्मी और खुद आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जी हाँ। तो वही से ट्रिक है सर, क्या ट्रिक है? पापा, मम्मी और तुम क्या करोगे? माइटोसिस को कंप्लीट करोगे, जी हाँ। माइटोसिस तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं याद हो रही तो कौन कौन सॉल्व करेगा? पापा, मम्मी और तुम क्या करोगे? माइटोसिस को कंप्लीट करोगे। देख लो, तो पापा का जो पी है, पापा का जो पी है क्या इंडिकेट करेगा? प्रोफेज, क्लियर है। मम्मी का जो एम है वो क्या इंडिकेट करेगा? मेटाफेज, क्लियर है बच्चों। और का ए क्या इंडिकेट करेगा? एनाफेज, क्लियर है। तुम का टी क्या इंडिकेट करेगा? टेलोफेज। लो सर, पहला तो सीक्वेंस पता चल गया कि पहले पापा होंगे, फिर मम्मी होंगी और फिर तुम होगे, क्लियर। पहले इमोशन में आगे मम्मी को मत रख देना, है ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। पहले पापा को रखना, क्यों? पापा की जनरली एज क्या होती है? मम्मी से ज्यादा होती है, तो पहले पापा को रेस्पेक्ट देना, ठीक है। तो पापा, मम्मी और तुम, ये तो हो गया सर, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या बेसिक चीजें आपको पता है माइटोसिस की? फॉर एग्जाम्पल, जैसे माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिविजन कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। सेकेंड थिंग, वॉट? इट अकर्स ओनली इन सोमैटिक सेल। थर्ड थिंग क्या? कि वन मदर सेल आर डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल, एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, विच आर आइडेंटिकल टू देयर मदर सेल। ये तो आपको पता है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो नई सेल्स बनती है हमेशा उन्हें डॉटर सेल क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको लास्ट में बताता हूं। देखिए जरा, मैं ये कहता हूं सर, ये चीज हमें पता चल गई कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन आपको पता है कोई भी सेल चाहे वो माइटोसिस में एंट्री करे या फिर मियोसिस में एंट्री करे, उससे पहले उसका क्या होता है? इंटरफेज। वो इंटरफेज में जाती है, मैच्योर होती है। कौन कौन सी फेजेस होती है इंटरफेज में? G1, S और G2, ठीक है। तो जब वो इंटरफेज में जाएगी ना, यहां पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है इंटरफेज को, तो वो मैच्योर हो जाती है। तो इसीलिए हम इंटरफेज को क्या बोलते हैं? मैच्यूरेशन फेज। क्या बोलते हैं बच्चों? मैच्यूरेशन फेज कहते हैं। तो यहां पर सेल जाकर मैच्योर हो जाती है। जब सेल मैच्योर हो जाती है तो क्या क्या चीजें उसमें होंगी, जरा समझो आप। पहली तो उसमें क्रोमोजोम होगा, दूसरी चीज उसके पास में ही क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा, और वो जो क्रोमोजोम है उसके अराउंड, डीएनए के अराउंड क्या होगी? बाउंड्री होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके आउटसाइड क्या होगा बच्चों? सेंट्रियोल। ये चीजें पता चल गई। अब जरा ध्यान से समझो ये ट्रिक, ये थोड़ा सा चीज आपने समझ ली ना, पूरी दुनिया में मैं आपको बता दूं कोई भी क्वेश्चन आए माइटोसिस से, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप। नीट का, सीटी का, कोई भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्लियर है। समझिए, मैं अगर ये बोल दूं बच्चों, वी आर क्रोमोजोम, हम क्या है? क्रोमोजोम है, और हमारे अराउंड जो बाउंड्री है उसे क्या बोल दिया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री हमारे अराउंड लगाई गई है उसे क्या बोला? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस बाउंड्री में रह करके हम कलाकारी करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, है ना, खेलते कूदते हैं, तो उसको बोला न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या हो गया? एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ठीक है। तो नो डाउट वी आर क्रोमोसोम, हमारे अराउंड जो बाउंड्री है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, या न्यूक्लियस हम कह सकते हैं।
और उसमें रहकर के जो हम कलाकारी कर रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोलस, और हम पे नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, दैट इज व्हाट, सेंट्रियोल। तो ये क्या है बच्चों, सीसीटीवी कैमरा। क्लियर है बच्चों? अब जरा समझिए होता क्या है, जब इंटरफेज में जाएगी सेल, मैच्योर हो जाती है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल भी होगा। इसके बाद वो इंटर करेगी कहां पे, माइटोसिस में। माइटोसिस में पहले किसकी बारी आएगी, पापा की, है ना। तो इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद माइटोसिस में सबसे पहले एंट्री होगी, तो कौन सी फेज होगी, प्रोफेज, पापा। अब पापा का क्या कैरेक्टर होता है आप मुझे बताइए, पापा क्या चाहते हैं, नलाक, दिन भर घर में बैठा रहता है, घर के बाहर निकल, दुनिया देख, है ना, कुछ सीख लोगों से, कुछ कर, शर्मा जी का लड़का देख क्या कर रहा, ये सारी चीजें आप जानते हैं, है ना। और क्या होता है, पापा के आते ही तुम्हारे सारे दोस्त गायब, तुरंत भाग जाते हैं, अगर आप यहां वहां कुछ कलाकारी कर रहे हैं कोई बेवकूफी, है ना, तुरंत छोड़ छाड़ के एकदम किताब कॉपी लेकर बैठ जाते हैं, पापा दुनिया का सबसे सीधा बच्चा मैं हूं, है ना, मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा था, अभी को आप आ रहे हैं, है ना, ये सारी कलाकारी आपकी गायब हो जाती है। तो पापा का यही कैरेक्टर तो लिखना है आपको। जी हाँ, देखिए आप, जैसे सेल पापा में आई, मींस व्हाट, प्रोफेज में, तो क्या होगा, जो हम हैं क्रोमोसोम, है ना, हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी गायब हो जाती है, मींस व्हाट, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा सर, है ना, और हमारी बाउंड्री वॉल को ब्रेक करके हमें बाहर जाने के लिए कौन कह रहा है, पापा। तो ये देखो सर, समझ पा रहे हैं क्या, देखिए पढ़िए जरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेली डिसअपीयर, हमारी बाउंड्री वॉल को ब्रेक कौन कर रहा है, पापा, है ना, हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी गायब हो जा रही है किसके आने से, पापा के आने से, मींस व्हाट, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, और सेल ऑर्गेनेली हमारे फ्रेंड दोस्त भी तुरंत भाग जाते, चल भाई कल मिलते हैं, तेरे पापा आ गए, है ना, अब बातें नहीं हो पाएंगी, अब कलाकारी नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है। थर्ड थिंग्स व्हाट, क्रोमोसोम कंडेंस, मतलब अब घर के बाहर निकल रहा है बच्चा, है ना, तो थोड़ा सोचेगा कि समाज के बारे में, दुनिया के बारे में सीखूं कुछ, तो थोड़ा नॉलेज लेना चाहेगा, थोड़ा मैच्योरिटी उसके अंदर आने लगी, तो क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होगा। आगे क्या होगा, पापा तुम्हें घर के बाहर भेज रहे हैं तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं, मोहल्ले वालों से कह के रखते हैं, थोड़ा देखते रहना कहां कहां जाता है, किससे किससे मिलता है, है ना, ये सारी चीज, मतलब सीसीटीवी कैमरे अभी भी लगा रखे हैं। तो क्या होगा बच्चों, सेंट्रियोल मूव टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो सेंट्रियोल आपको दिख रहे हैं ना, ये सेंट्रियोल मूव करके यहां पर चला आएगा इस पोल पर, और ये वाला सेंट्रियोल मूव करके आ जाएगा इस पोल पर, हो गया सर पापा का काम, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड सेल ऑर्गेनेल आर डिसअपीयर, क्रोमोसोम कंडेंस एंड सेंट्रियोल मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। पता हो पापा का काम, ये याद करने की जरूरत है, लिख दो, आगे समझते हैं। पापा का काम हो गया, पापा का काम होने के बाद कौन आएगा, मम्मी, मम्मी मीन्स व्हाट, मेटाफेज, प्रोफेज का काम हो गया सर, यहां पर देखिए, अब बारी किसकी है, मम्मी की, मेटाफेज की। तो आप मुझे मां का कैरेक्टर बताइए, मां का कैरेक्टर कैसा होता है, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं, स्पेशली इंडियन मदर, है ना, मां के लिए बच्चा छोटा होता है, खिला पिला कर उसे मोटा कर देती है ना। देखो आप ये दुनिया में देख लो सर, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई माँ अपने बच्चे को मोटा कह दे, वो हमेशा बोले अरे बड़ा दुबला पतला सा है, थोड़ा खाया कर बेटा, है ना। अगर बहुत ज्यादा बच्चा मोटा हो गया या एक पैर रखने से उसके 2 फीट गड्ढे हो जा रहे हैं जमीन में, फिर भी वो अपने बच्चे को कभी भी वो मोटा नहीं बोलेगी, थोड़ा हेल्दी हो गया है ऐसा बोलेगी वो, है ना। तो समझो माँ के लिए बच्चा छोटा होता है, खिला पिला कर उसे मोटा कर देती है, ये याद रखना। तो समझो माँ के लिए बच्चा छोटा होता है, खिला पिला कर उसे मोटा कर देती, और माँ क्या चाहती है, नहीं नहीं मेरा बच्चा घर के बाहर नहीं जाएगा, मेरे घर के आंगन में ही खेलेगा, बाहर जाएगा बच्चे उसे बिगाड़ देंगे, मींस व्हाट, माँ अपने बच्चे को पल्लू से बांध के रखना चाहती है और घर के आंगन के बीच में रखना चाहती है, ये चीजें होती है सर माँ की, है ना। चलो देखो, क्रोमोजोम बिकम्स शॉर्ट एंड थिक, क्रोमोजोम कौन, हम, वी आर क्रोमोजोम ना, तो मां के लिए बच्चा छोटा था और मोटा था, क्रोमोसोम बिकम्स शॉर्ट, मां के लिए बच्चा छोटा था एंड थिक, खिला पिला कर उसे मोटा कर देती थी, है ना, एंड प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ सेल, और घर के आंगन के बीच में रखना चाहती है मां, और क्या करेगी, मां अपने पल्लू से बांध के रखेगी, जरा समझो होगा क्या। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटो कोर, इसे याद रखना, स्पिंडल फाइबर मां का पल्लू होगा सर, यहां से देखिए, यहां पर सेंट्रियोल आ गए थे, यहां से सेंट्रियोल से क्या निकलेगा, स्पिंडल फाइबर, और ये जाकर के सेंट्रोमियर के काइनेटो कोर से अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम के। लो जी, ये है मां का पल्लू, जिसे हमने क्या बोला, स्पिंडल
फाइबर। स्पिंडल फाइबर 97% ऑफ आरएनए और 3% ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। लो जी, मां का पल्लू बद गया। कहां पर बच्चों? काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमीटर। काइनेटोकोर कहां होता है सर? समझो, जैसे ये देखो क्रोमोसोम है, हम हैं, तो क्रोमोसोम की आर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। जैसे सपोज करो वी आर क्रोमोसोम, ऐसे हाथ मैंने कर लिया, तो ये मेरा एक आर्म क्या हुआ? क्रोमेटिड्स। जो मेरा सेंटर हुआ नेवल पार्ट, उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। और इसी सेंट्रोमियर पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसी से स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होता है, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट स्टडी इन दिस स्टेज, है ना? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को भी हम क्या करेंगे? बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि बच्चा मोटा है तो दूर से ही दिख जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर एक लाइन छूट गई बच्चों, इसको भी जरा समझ लीजिए। जब बच्चा घर के आंगन के बीच में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? फॉर्म मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटर पर ना, जैसे अर्थ, सपोज करो ये अर्थ है, तो बीच में क्या होता है? इक्वेटर, सेंटर, है ना? माँ का नेचर ही था कि माँ के लिए बच्चा छोटा होता है, खिला पिला कर उसे मोटा करती है और घर के आंगन के बीच में रखती है। तो जब बीच में क्रोमोजोम अलाइन होंगे, लगेंगे, तो वहां पर एक प्लेट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। ये याद रखिएगा। क्लियर? ये हो गया। अब जरा समझो होगा क्या बच्चों, मां का भी काम पूरा हुआ, है ना? मां का भी काम पूरा हुआ, अब होगा क्या? सपोज करो आप यहां पर बच्चों, यहां पे मदर है, यहां पे फादर है, है ना? तो ये दोनों आपस में खींचते हैं बच्चे को, नहीं 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 मेरा बच्चा मैं ज्यादा प्यार करता हूं, मां बोलेगी। फिर फादर बोलेंगे क्या कि नहीं नहीं मेरा बच्चा मैं ज्यादा प्यार करता हूं, अपनी तरफ खींचेंगे, है ना? और होता क्या है जरा समझो, जब दोनों खींचेंगे तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बात पर, किसी बात पर हो सकता है झगड़ा हो जाए। तो जब झगड़ा होगा तो अगली स्टेज में क्रोमोसोम टूट जाता है, स्प्लिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये समझो ऐसा है, ये क्रोमोसोम है, आपस में लगे हुए हैं, ठीक है? ऐसे क्रोमोसोम एक्स के फॉर्म में लगे हुए हैं। जब झगड़ा होगा, ऊपर ऊपर से खींचा जा रहा है, तो ऐसे टूट जाएगा क्रोमोसोम, है ना? तो क्या होगा? क्रोमोसोम स्प्लिट एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। अरे भाई, मम्मी पापा में झगड़ा हो गया है तो हम टूट जाएंगे ना यार, दिल नहीं लग रहा है, पेरेंट्स झगड़ा कर लिए हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है फैमिली में, है ना? तो फिर क्या, कुछ टाइम मम्मी के पास जाकर मम्मी को मनाएंगे, कुछ टाइम पापा के पास जाकर पापा को मनाएंगे, है ना? तो देखो, अब क्रोमोसोम स्प्लिट एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन। और जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? हाईली एनर्जी चाहिए। हाई एनर्जी चाहिए कितना? 30 ATP। देखो, रिक्वायर्ड हाई एनर्जी, दैट इज व्हाट, 30 ATP, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, इतनी एनर्जी चाहिए। अब होगा क्या, जब पेरेंट्स में कभी छोटा छोटा झगड़ा होता है ना, तो हम करते क्या है, कभी कभी छोटे बच्चे ना छोटी मोटी शरारतें करने के लिए एडवांटेज लेने लगते हैं। जैसे पापा में झगड़ा हुआ, मम्मी में झगड़ा हुआ, तो गए पापा के पास, पापा आप सही कह रहे थे, मम्मी गलत कह रही थी, मम्मी समझ नहीं पाती ना, आप बताइए, इतना काम करते हैं थक जाते हैं पापा। पापा खुश हो गए, बेटा मेरा मेरी साइड ले रहा है, हाँ बेटा तू बहुत अच्छा है, वो सब तो ठीक है पापा, कुछ दोस्त पार्टी के लिए बोल रहे थे, कुछ पैसे दो ना। हाँ बेटा बिल्कुल, ले 100 रुपए, तुम्हारा काम हो गया, पापा से पैसे ले लिए। अब जब देखा घर में पापा नहीं है, तो मम्मी के पास गए, मम्मी तुम सही कह रही थी, पापा गलत कह रहे थे, है ना? आप बताओ, आप घर में हमेशा काम करती रहती हो, पापा समझते नहीं है। मम्मी भी खुश कि अरे बेटा मेरा इतना समझदार हो गया, हाँ मेरी साइड ले रहा है, हाँ बेटा बहुत अच्छे, तू मेरी साइड लिया कर। वो सब तो ठीक है मम्मी, फ्रेंड कुछ बोल रहे थे पार्टी के लिए, थोड़ा पैसे मिलेंगे क्या? अब पापा से भी पैसे ले रहा है, मम्मी से भी पैसे ले रहा है, दोनों से पैसे ले रहा है, है ना? लेकिन एक चीज वो भूल जाता है बच्चा, क्या? बाप बाप होता है, है ना? तो क्या करेगा, यहाँ पे जरा ध्यान देना, हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल एंड हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। जब ये दोनों पोल पर चला गया, है ना, एनाफेज हो गया सर, एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गए। फिर अगली स्टेज में क्या हुआ, जब अपोजिट अपोजिट पोल पे चला गया, तो बाप होता है, बाप को पता चल जाएगा कि ये कलाकारी कर रहा है, मम्मी से भी अपने पैसे लूट रहा है, मेरे से भी पैसे लूट रहा है। पापा आएंगे गुस्से में कि इसकी जब से बाउंड्री वॉल ब्रेक कर रखी है ना मैंने, तब से ये बिगड़ गया है, जब से बाहर जाने लगा है ये, तो ये बाहर घर के जाने लायक नहीं है। मीन्स वॉट, इसके अराउंड बाउंड्री ही रहनी चाहिए, है ना? इसके अराउंड मैं बाउंड्री लगा दूंगा, और तू घर में जो कलाकारियां करता था, बदमाशी करता था ना, वो तू कर। मीन्स व्हाट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर रीअपीयर।
अब ये सब आ गए तो सेल ऑर्गेनली उसके दोस्त वो भी है, अरे भाई यार तू बाहर रहता था यार, अब आया ना घर पे, अब मौज करेंगे हम, फिर से वो कलाकारी स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या होता है सर, टीलोफेज कंप्लीट हो गई, बस इतनी सी बात। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनली रीअपीयर, ये सारी चीजें आ गई। जब टीलोफेज यहां तक हो जाती है, फिर होता क्या टीलोफेज में, ये जो सेल होती है सर, ये अंदर की तरफ डिप्रेस होने लगती है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से डिप्रेस होने लगती है। और एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं यहां पे साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब क्या? सेल। काइनेसिस मतलब क्या? डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। रिजल्टिंग क्या होता है? दो डॉटर सेल बन गई सर। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ। अब सुनिए, मैंने आपसे पूछा था स्टार्ट में क्वेश्चन, याद है आपको, डॉटर सेल क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं? क्योंकि ओनली फीमेल हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू लाइफ। जी हाँ बच्चों, ये आप देखिए, एक सेल थी है ना, यहां पर ये मदर सेल है, एक सेल थी, एक सेल से दो डॉटर सेल बन गई है ना माइटोसिस डिवीजन में। अब वो जो सेल बनी है ना, वो फिर से डिवाइड होकर के सेल्स बनाएंगी। क्या मेल कोई नई बॉडी प्रोड्यूस कर सकता? नहीं। जो जन्म देने की कला है, जो जन्म देने की टेंडेंसी है, गॉड ने सिर्फ फीमेल को दी, इसलिए तो मदर ग्रेट है। समझ पा रहे हैं? इसीलिए हमेशा जो सेल्स बनती है उनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं, सन सेल नहीं बोलते। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल। और आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर? बहुत मेहनत लगी यार, ठीक है। और हाँ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए प्लीज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।